ज्यादा किसी को परेशान नहीं करोगे इधर उधर फालतू के मैसेज करके, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब लॉक कर दिया। हेलो मानस एकदम बढ़िया, ऑनलाइन भी लॉक कर दिया आपको, अब तो आप ऑनलाइन भी कुछ नहीं कर सकते। अमरजीत एकदम बढ़िया, एकदम क्लास के अंदर आने के बाद पैक हो गए, अब आप किसी को कोई आलतू फालतू का मैसेज नहीं कर सकते। कोई कुछ पहले बच्चे करते थे, अब उन बेचारे बच्चों का जान बचने से पहले लॉक हो गया। हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि आप बस पढ़ाई करो, जैसे ही आपने जान बिछाना स्टार्ट करा, इधर उधर तार जोड़ने की अपने कोशिश करी, वैसे ही हमें पता चल गया, वैसे तुरंत पूरा फोकस पढ़ाई पे। आधे बच्चों को तो मतलब बहुत बुरा हुआ है, कुछ बच्चों के साथ तो धीरे धीरे लगे हुए थे, चुपचाप शांति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। देखो ऐसा अगर कोई भी स्टेप लिया जाता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा देखकर, कुछ हुआ हो, किसी ने बताया हो, तो उसी को देखकर फिर ऐसा स्टेप लिया जाता है, और जैसा देखा उसके हिसाब से ये स्टेप बहुत बढ़िया है। शांति से पढ़ो, इधर उधर जाल मत बिछाओ, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठो आराम से, और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो, पैसों का हिसाब लगाओ। कुल मिलाकर आपका टारगेट क्या है, मनी का हिसाब लगाना, वो लगाना आपको हम यहाँ सिखा देंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में कल मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या था, 10 में बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 तक जो भी हमने करा वो बातें आपको क्लियर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे चल लेंगे। भाई यहाँ तक किसी बच्चे के दिल में तो कोई दर्द नहीं है बच्चों, आप यहाँ तो मैसेज करते नहीं, आपका किसी को आपको व्हाट्सएप पे नंबर दे दो उसके आप हवा खराब कर दोगे मैसेज कर करके, बोलो ना क्या हुआ, बोलो ना जब तक सामने वाला ब्लॉक नहीं कर देगा। यहाँ तुम्हारी तुम्हारे से एक मैसेज नहीं होता बच्चों, यहाँ भी उतने एक्टिव रहो जितना रात को 12 बजे के बाद रहते हो, तो ज्यादा सही रहेगा। देखो अब अपने यहां तक के क्वेश्चन में क्या करा है, देखो अब कभी कभी अब समझो बात, भाई यहां तक के क्वेश्चन में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 12.2%। अब बच्चों कभी फ्यूचर में क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, सोच के देखो आप, कभी ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि फर्स्ट ईयर के लिए तो रेट अलग हो, सेकेंड ईयर के लिए रेट अलग हो, तो अब आप इसको कैसे करोगे, पहले इसको नोट कर लो। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, उसके बाद अब की बार देखो आपके पास दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 14.7% और सेकेंड है आपके पास 11.9%। मतलब फर्स्ट ईयर में रेट है 14.7% और सेकेंड ईयर में रेट होगी 11.9%। टाइम है आपके पास 2 इयर्स, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला जिससे आपके पास कितना 30। अब आप मुझे सबसे बस यहाँ आपको एक बात समझनी है कि भाई जब आपके पास देखो जैसे ही आपने टाइम देखा 2 ईयर, तो सबसे पहले अब आप अपने बॉक्स बना, रेट को अभी हम बाद में देखेंगे उसको करना क्या है वो कैसे होगा। जैसे ही आपने टाइम देखा 2 इयर्स, तो आप फटाफट से बॉक्स बना लो, क्योंकि एक बात आपको पता है कि 2 इयर्स के लिए इतने बॉक्सेस बनेंगे। अब बात आई बच्चों इन बॉक्स को फिल करने की, देखो अभी तक जो आपने इससे पहले क्वेश्चन करे थे कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, तो वहां आपको प्रिंसिपल अस्यूम करना होता है, तो वहां आप करते क्या थे, आपने क्या करा डिनोमिनेटर की पावर टाइम में अस्यूम कर दी,
क्योंकि यहाँ आपके पास एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी, तो यहाँ आपने ऐसा कर लिया। लेकिन जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दो हो गई, तब कैसे करोगे? लगाओ थोड़ा दिमाग, बोलो बच्चों, कोई बच्चा बताना पसंद करेगा? कैसे करोगे इसको? एलसीएम लिखे। और कोई बच्चा बोलो कैसे करोगे? भाई क्वेश्चन देखने के बाद कुछ तो तुम्हारे मन में आया ही होगा। चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? जो भी है वो बोलो। भाई अलग अलग कैसे निकालोगे आप? एक ईयर के लिए अलग, फर्स्ट वाले ईयर के लिए अलग, सेकंड वाले ईयर के लिए अलग, उससे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उससे क्या मिलेगा आपको? देखो आप बात समझो, बहुत अच्छा बोला आपने, अब मेरी बात समझो। समझो बात एक छोटी सी। कुछ भी नहीं करना, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, कुछ करना ही नहीं आपको। देखो भाई यहाँ पर ये जो 16 कंपनी 2.3% रेट है, इसका मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट ईयर में भी आपके पास ये समझ लो आप बात, एक सेकंड, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक मिनट में। भाई 16 कंप्लीट 2.3% रेट है फॉर टू इयर्स, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में भी यही रेट होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, फर्स्ट ईयर में तो आपके पास है 16 कंप्लीट 2.3%, यहां तो सेकंड में भी यही होगी, तो सेकंड में कितना होगी? सेम। तो आप मुझे इधर से इन दोनों की फ्रैक्शन बताओ। तो बच्चों आप एक्चुअल में करते क्या हो इन दोनों की मल्टीप्लाई? आप हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे थे भाई। या तो आप प्रिंसिपल को 6 × 6 ले लो, या फिर आप 6 का स्क्वायर कर लो, बात तो सेम है। ये बात समझ आई बच्चों? यहाँ पर दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी, इसलिए डायरेक्ट बोल दिया डिनोमिनेटर की पावर टाइम कर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाए तो फिर इनके डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ आई बच्चों? बोलो, करोगे आप वहां भी वही जो आपने यहाँ करा था, बस यहाँ दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी, डायरेक्ट हमने 6 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो आप यहाँ क्या करोगे, एक बार समझ लो, इसकी फ्रैक्शन कितना होगी? 1/7। इधर फ्रैक्शन कितना होगी? 1/9। तो बच्चों अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे, आप बोलोगे 9 × 7, क्योंकि इससे पहले आपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां भी तो आपने यही एज्यूम करा है, वहां पे एक ही होता था तो आप स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पर है 7 और 9, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे 63। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, बताओ। बात समझ आई बच्चों? अब तो देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन वही है। अब आप फर्स्ट ईयर में आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 14 × 2.7%। तो फर्स्ट ईयर में करोगे आप 63 का 1/7, सेकंड ईयर में 63 का कितना करोगे आप? 1890 एकदम आंसर। सेकंड ईयर में करोगे आप 63 का 1/9। ये तो थी एक बात, 63 का 1/7 कितना होगा? 9। 63 का 1/9 कितना होगा? 7। अब मैं एक आपसे छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ बस, कि भाई यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट दोगे, यहाँ पर ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें जो आप इंटरेस्ट दोगे उसको 1/7 से पे करोगे या 1/9 से? थोड़ा दिमाग लगा के बोलना, एकदम ऐसे ही कुछ मत बोलना। आंसर सेम आएगा एलसीएम से भी, क्योंकि आपको ऐसा नंबर एज्यूम करना है जो 6 से भी और 9 से डायरेक्ट कट जाए, क्योंकि उससे डेसिमल नहीं बनेगा। बस भाई अब जो आप इंटरेस्ट दोगे ना वो सेकंड ईयर वाली रेट से दोगे 1/9 से। अब आप मुझे ये बताओ 9 का 1/9 कितना होगा? 1।
तो भाई हो गए आपके पास सारे बॉक्स फिल, सारे बॉक्स आपके पास फिल हो गए। अब देख लो, अब आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा बॉक्स ऐसा है जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है। भाई ये तो आपने एक बहुत जीनियस बात कर दी, आपको 9 से क्यों दोगे भाई, ये बात किस किस को समझ नहीं आई 1/9 वाली। भाई जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो आप सेकंड ईयर वाले लेटर तो इंटरेस्ट में करोगे। जब आप थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो एक बार, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर वाले लेटर पर इतना इंटरेस्ट दोगे। जब आपके पास आगे क्वेश्चन आएंगे भाई आप 63 बस। आप ये बताओ यहाँ आपने 36 क्यों लिया था, यहाँ आपने 36 क्यों लिया था बताओ। सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स भाई आपने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा अगर आप 6 की मल्टीप्लाई 6 से करके प्रिंसिपल को 36 अज्यूम कर लोगे तो कहीं भी डेसिमल नहीं बनेगा। जैसे आपने यहाँ 36 लिया वैसे यहाँ आपने 63 ले लिया, बाकी आप ले कुछ भी सकते हो भाई। जैसे वहां 36 लिया सेम ऐसे ही आपने यहाँ 709 की मल्टीप्लाई करके 63 ले लिया, बात तो दोनों सेम है। छोटे छोटे बातों से दुखी मत हुआ करो। और एक बात आप याद कर लो, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो थोड़ा सोचो, तो सेकंड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाना है तो आप कौन से ईयर की रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे, ये सेम क्वेश्चन आगे भी आएगी थर्ड ईयर के लिए। बताओ जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए तो आपने सेकंड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे कर दिया, जब आप फर्स्ट से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप कौन से ईयर की रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। थर्ड, तो आप इसको एक बार ऐसे भाई सेकंड से क्यों करोगे, सेकंड से आपका क्या मतलब है, आप फर्स्ट से थर्ड में जा रहे हो, सेकंड कहां से आ गया बीच में। तो इस बात को आप एक बार देखो, आप जिस ईयर में भी जाओगे ना, जहां भी आप एंट्री करोगे आप उस ईयर की रेट पे इंटरेस्ट पे करो। जो बच्चे अभी थोड़ा नहीं समझ पा रहे, कुछ ज्यादा ही भोले हैं, वो इसको ऐसे याद कर लो, जब आप जिस ईयर में भी आप एंट्री करोगे आप उस ईयर की रेट पे इंटरेस्ट पे करो। कभी आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप कौन से ईयर की रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे, अगर आप सेकंड से थर्ड में जाओगे। बोलो, अगर आप सेकंड से थर्ड में गए, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में एंट्री करोगे तो आप किस ईयर की रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। बोलो बच्चों, थर्ड। भाई आप इस बात को एकदम रट लो, जिस ईयर में भी आप एंट्री करोगे आप बस उस ईयर की रेट पे इंटरेस्ट पे करो, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आती चली जाएंगी। जहां जाना है उस रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा भाई। आपको क्या बोलूंगा, जिसके घर के आगे के चक्कर लगाओगे उसी की तो खिड़की खुलवानी पड़ेगी तुम्हें देखने के लिए लॉकडाउन में। ऐसा थोड़ी ना है कि पड़ोसियों की खिड़की खुलवा रखी है तुमने, उससे क्या मिलेगा भाई तुम्हें। जिनके घर जाना है सीधा उन्हीं से बात करो कि हम 12 बजे आएंगे दीदार करने, खिड़की खोल के रखना। ये तो फिर कुछ बात भी हुई, अब ये क्या बात हुई, जा किसी और के घर रहे हो पता, अपने चाचा के लड़के के रहे हो, कोई 12 बजे अपनी खिड़की खोल लेना मैं वहां जाऊंगा, वो कहेगा भाई जा मुझे क्या करना है। तो अब आप मुझे ये बताओ सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा। भाई आपको एक बात पहले ही समझाई थी कि ये जो बॉक्स है ये सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, 1 की वैल्यू है आपके पास 30, 1 की वैल्यू है 30, तो आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 63 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 30 तो 63 की वैल्यू कितना होगी, 1890। देखो एक बात आप समझ लो, बताओ ये क्वेश्चन समझ आया। अब बताओ किसी बच्चे को एक पॉइंट में भी डाउट होगा
फिर एक बात मैं आपको अभी और बताऊंगा। देखो अब आप एक बात समझो, ये जो क्वेश्चन आप 2 ईयर के लिए कर रहे हो, ये सेम क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन आपके पास 3 ईयर में भी आएंगे, बस एक एक रेट और इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रोसेस वहां भी सेम रहेगा। अगर आप ये बात समझ गए ना, जो आप कर रहे हो, तो आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया। मतलब आपको क्या बताना चाह रहा हूँ भाई, देखो थोड़ा दिमाग से सोचो, आपके पास एक प्रिंसिपल है भाई, अभी आपके पास 2 ईयर्स है, तो एक ईयर ये हो गया इधर, एक ईयर ये हो गया इधर, लेकिन अगर जब आपके पास 3 ईयर हो जाएंगे तो फिर एक और आ जाएगा इधर, प्रोसेस पूरा वही रहेगा। प्रिंसिपल यहाँ सेम ऐसे एज्यूम करोगे, डिनोमिनेटर की पावर टाइम, सब कुछ प्रोसेस यही रहेगा, बस ये एक बॉक्स और ऐड हो जाएगा। अगर कभी टाइम हो जाएगा 4 ईयर, तो सब कुछ प्रोसेस यही रहेगा, बस यहाँ एक बॉक्स और ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको ये 2 ईयर वाला समझ आ गया, तो इसका मतलब आपको सारे खुद से क्लियर हो जाएंगे। ये बात समझ आई बच्चों यहाँ तक? क्योंकि तो अभी हम इसके बाद 3 ईयर वाला स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपको जितना टाइम लग गया उसमें फिर उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। तो बच्चों देखो, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। प्रिंसिपल ये जो अभी आपको 2 ईयर के लिए समझाया था, ये बात समझ आई बच्चों? फिर अब आपको समझाएंगे जब टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में हो, जैसे इस क्वेश्चन में है 1 ईयर 4 मंथ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? पहले तो वही अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर लो, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, टाइम है बच्चों आपके पास अब की बार 1 ईयर 4 मंथ, उसके बाद कंपाउंड रेट है आपके पास 12 कंप्लीट 1/2%, और क्या है बच्चों हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 1300। अब देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे थे उन क्वेश्चंस में टाइम था 2 ईयर, अब इस क्वेश्चन में टाइम हो गया 1 ईयर एंड 4 मंथ, इसको बताओ आप कैसे करोगे? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बात हमेशा रखो तुम्हारे पास है भी नहीं, जो चीज ज्यादा ना हो उसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए सबसे ज्यादा, बताओ इसको कैसे करोगे? एक्स्ट्रा नहीं लगाना बस, तुम्हारे पास मुझे एक्स्ट्रा दिमाग से डर लगता है, कोरोना से डर नहीं लगता सब, तुम्हारे एक्स्ट्रा दिमाग से लगता है बस। अब आप मुझे एक बात बताओ, कुछ नहीं करना आपको, मंथ में ईयर इतना प्रोसेस क्यों करोगे? ये बात मैंने आपको कहीं समझाई? आप मुझे अब ये बताओ, ये बात मैंने तुम्हें कहीं समझाई? मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना, इसको उसमें करना, उसको उसमें करना, कहीं समझाई अभी तुम्हें ये बात? फिर तुम क्यों कर रहे हो? जब वो बात समझाएंगे तब करना उसको, थोड़ा आगे निकलना चाह रहे हो, दुनिया से 2 कदम आगे होना चाह रहे हो, जो बात नहीं समझाई वहां तो तुम्हारा दिमाग चल रहा है, लेकिन जो बात समझा दी वो तुम समझ नहीं रहे। देखो अब समझो करना क्या है, आपके पास क्वेश्चन में टाइम है बच्चों 1 ईयर 4 मंथ, आप मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना समझाया, तो जब भी आपके पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी हो, तो आप कंप्लीट 2 ईयर के लिए फाइंड आउट कर लो, क्योंकि वो आपको एकदम बहुत अच्छे से आता है। 2 ईयर के लिए क्यों फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन इस बात को आप नोट कर लो भाई, जहां भी आपके पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी हो, तो आप कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करो। अब आप इस क्वेश्चन को 2 ईयर लेके सॉल्व करो अपने हिसाब से, इस 1 ईयर 4 मंथ को 2 ईयर एज्यूम करके फटाफट से करो, फिर अभी समझाएंगे हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अभी समझाएंगे, एक बार सॉल्व करो पूरा, जैसे आपने टाइम 2 ईयर लेके सॉल्व किया था इसको कंप्लीट वैसे सॉल्व करो, 1 ईयर 4 मंथ को ऐसे छोड़ दो, 1 ईयर 4 मंथ की जगह आप 2 ईयर लेके इसको कंप्लीट बॉक्स को फिल करो। बेटा अभी आप कहां पहुंच गए, कहां जा रहे हो आप, कहां निकलने की कोशिश कर रहे हो? पहले
पहले इसको तो करो, क्यों इतना दुखी हो रहे हो, पहले इसको करो, सब आएगा धीरे धीरे, सब आएगा, घबराओ मत, इतनी टेंशन थोड़ी ना लेनी होती है आपको, आप तो बस समझते चलो। इसके बाद एक महीने का भी कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों ना जाए तुम निकाल दोगे, हर एक दिन का क्यों ना जाए तुम निकाल दोगे, लेकिन तुम इसको समझो। अब बताओ प्रिंसिपल को कितना अज्यूम करोगे, अब फटाफट से बोलो आप। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने अभी बताया था। उसके बाद आपको करना क्या है, हर बार इसका 1/8, तो भाई आप इसका 1/8 करो, तो कितना हो जाएगा 8, 8 और 1। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अब क्वेश्चन पे आओ वापस, आपने कंप्लीट 2 ईयर का फाइंड आउट करना है, लेकिन करा है, लेकिन एक्चुअल में करना है 1 year 4 months का, कुछ भी नहीं है, जैसा आप अभी तक कर रहे थे सब कुछ वही चलता रहेगा। 1 year 4 months आप समझो करना क्या है। भाई आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे इस फिगर को देखो, आप मैं आपसे पूछूं कि 1 year का इंटरेस्ट कितना है, बताओ 1 year का बस फर्स्ट वाले ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि सर 1 year का इंटरेस्ट तो 8 होगा। भाई आपके पास फर्स्ट वाले ईयर का इंटरेस्ट कितना है 8। अब अगर आपको ये 4 months का इंटरेस्ट और मिल जाए तो आपकी बात बन जाएगी, तो बस बात तो आपकी बनानी है ही, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 9 इंटरेस्ट है आपके पास, एक बार बस एक सेकंड बात समझ लो, ये जो आपके पास 9 इंटरेस्ट है, ये कितने ईयर का इंटरेस्ट है? नहीं भाई, ओनली सेकंड वाले ईयर का इंटरेस्ट है। ये जो 9 है आपके पास, ये देखो आपको स्टार्टिंग में नोट कराया था, ये जो आपके पास 9 है, ये ओनली सेकंड वाले ईयर का इंटरेस्ट है, ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, फिर से समझ लो, ये जो 9 है ये ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, 9 इंटरेस्ट है आपके पास 12 मंथ्स का, ये जो 9 इंटरेस्ट है ये कितने मंथ का इंटरेस्ट है आपके पास? 9 इंटरेस्ट है आपके पास 12 मंथ्स का, और आपको जरूरत है 4 मंथ के इंटरेस्ट की, तो यहां से 4 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3। समझ आया कुछ? भाई आपने क्या करा, ये देख लिया, आपको देखो आपको जरूरत है 1 year और 4 months के इंटरेस्ट की, तो 1 year का इंटरेस्ट तो आपके पास डायरेक्ट है 8, और ये जो 9 इंटरेस्ट है, ये 9 इंटरेस्ट है 12 months का, ये जो 9 इंटरेस्ट है ये कंप्लीट 12 months का इंटरेस्ट है, तो 1 month का इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 12 months का इंटरेस्ट है 9। कौन बोल रहा है, हमें जरूरत है 4 months के इंटरेस्ट की, तो 4 months का इंटरेस्ट कितना होगा? 3। 1 year का 8 था, 4 months का 3 आ गया, तो कंप्लीट 1 year 4 months का इंटरेस्ट कितना हो गया? इसी की तो आपको नीड थी बस, कंप्लीट 1 year 4 months का इंटरेस्ट कितना हो गया? आप बोलोगे 11। और अब तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, अब क्या दिक्कत होगी? वन ईयर फोर मंथ का इंटरेस्ट हो गया 11। 11 की वैल्यू है आपके पास 1320, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 120। 1 की वैल्यू है 120, तो आप मुझे ये बताओ कि आपका प्रिंसिपल मतलब 64 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 120, तो 64 की वैल्यू कितना होगी? 7683। आपको कुछ भी नहीं करना, बस यही एक आपको बॉक्स याद रखनी है बस, और आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको उससे ज्यादा कुछ बताया भी नहीं है। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? तो आप याद रखना, यहीं से आप एक बात और समझ लो। चलो पहले ये बताओ क्लियर हुई कहाँ थी?
बोलो बच्चों। देखो यहीं से आप एक बात और समझ लो, अगर कभी भी आपके पास टाइम इस टाइप से आ जाए कि 2 ईयर और 4 मंथ, कभी आपके पास टाइम ऐसा आ जाए, इसी से समझ लो ये क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो वहां फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। और 4 मंथ, तो आप मुझे ये बताओ आप कितने ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे? अगर आपके पास टाइम आ जाए 2 ईयर 4 मंथ, तो आप कंप्लीट 3 ईयर का फाइंड आउट करोगे। ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक बात नोट कर लो, जब भी आपके पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में कहीं भी हो, मतलब कहीं भी हो, कुछ भी टाइम हो, तो आप कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करोगे। अगर कभी भी आपके पास टाइम 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में कहीं भी हो, ये फाइंड आउट करोगे। और आपके पास कभी भी टाइम 3 ईयर और 4 ईयर के बीच में कभी भी हो, तो आप कंप्लीट 4 ईयर का फाइंड आउट करोगे। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, लेकिन इस बात को आप समझ गए कि आपको जिस मंथ के बीच में भी इंटरेस्ट है, आप उससे आगे वाले का इंटरेस्ट फाइंड आउट, बस आपको समझाना ये है। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो 3 ईयर वाला भी अभी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। एक बार करो इसको ट्राई, अब हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। अब तुम्हें क्या दिक्कत लगेगी कि भाई हमें तो यहाँ प्रिंसिपल दे दिया, अब हम कैसे करें? तुम प्रिंसिपल को छोड़ दो, आप प्रिंसिपल को अपने रेट के अकॉर्डिंग ही लो, जैसे आप अभी तक करते थे ना, उसको वैसे ही करो, इस प्रिंसिपल को छोड़ दो, करो फटाफट से सब बच्चे इसको ट्राई। देखो यहाँ पे 1 ईयर 73 डेज है, मतलब 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में है, तो आप कंप्लीट 2 ईयर के लिए फाइंड आउट, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये तो मैं आपको बेसिक अप्रोच सिखा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एग्जाम में कैसे करना है, वो तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक तो डिजिट सम जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और दूसरा आपको मैं और मेथड समझाऊंगा। और डिजिट सम को समझते चलना जरूर, ऐसा ना हो दुनिया क्वेश्चन सॉल्व। आवाज नहीं आ रही बच्चों, आवाज नहीं आ रही, सच में आवाज तो बेटा दिल तक पहुंचनी चाहिए। अब तो आपको इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, अब तो आपको खामोशी भी समझनी चाहिए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। देखो अब इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि आपको प्रिंसिपल जैसे लेना है आप वैसे ही लो। आप बेटा 2 हाथ आगे चलने की कोशिश मत करना कि हम तो 1000 से ही करेंगे, 1000 से भी कर सकते हो, लेकिन आप प्रोसेस वही फॉलो करो जो अभी तक आपको समझाया, उसी को सॉल्व करो आप पहले। वैसे करो अभी, बाकी इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे करोगे, कैसे अपने दिमाग को फास्ट करोगे, वो सब मेरा काम है तुम्हें समझाना। अब एक बात तुम खुद भी समझ रहे हो, क्या तुम्हारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि तुम ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे? खुद से सोचो, चाहे कोई आपको कितना भी पागल बनाने की कोशिश करे, लेकिन एक्चुअल में क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप एग्जाम में इसको ऐसे करो क्वेश्चन? ये तो इसलिए है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेस है वो एकदम क्लियर हो जाए। अगर बेस क्लियर हो गया तो फिर मैं आपको जो बातें समझाऊंगा वो आप सेकंडों में समझ जाओगे। प्रिंसिपल को कितना अज्यूम करोगे बोलो? जब भी टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में है, तो कंप्लीट 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल को करो 25। अब आपको करना क्या है, हर बार 1/5, भाई इतनी बात तो अब आपको रटी गई होगी बच्चों कम से कम। अब देखो ये आ गया कंप्लीट 2 ईयर के लिए, हमें जरूरत है बच्चों 1 ईयर और 73 डेज। हमें तो भाई 1 ईयर और 73 डेज का इंटरेस्ट चाहिए, तो अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ से?
भाई आपको 73 डेज के इंटरेस्ट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन 1 ईयर में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 ईयर का फर्स्ट वाले ईयर का इंटरेस्ट है 5, फर्स्ट वाले ईयर का इंटरेस्ट है आपके पास 5। अब उसके बाद चाहिए हमें 73 डेज का इंटरेस्ट, फिर से प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस क्या था आपका भाई, ये जो 6 इंटरेस्ट है, ये जो बच्चों 6 इंटरेस्ट है, ये जो 6 इंटरेस्ट है, ये है ओनली सेकंड वाले ईयर का, ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। इसका मतलब आपके पास 365 डेज का इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 6। ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है आपके पास 6। भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन मंथ में था तो आपने 12 मंथ ले लिया था, अब ये क्वेश्चन डेज में है तो 365 डेज ले लो। अब कोई भी बच्चा घर बैठे बैठे इतना दिमाग नहीं चलाएगा कि अगर ये लीप ईयर होगा हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें इतना समझना भी नहीं है मैथ में। अगर लीप ईयर होगा तो वो लिख कर देगा, बिल्कुल मत चलाना इस दिमाग को, वो रीजनिंग में चलाना। अगर यहाँ पर लीप ईयर होगा तो वो बेचारा लिख कर देगा एग्जाम में। 365 डेज का इंटरेस्ट है 6, ये भी लगा दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो पक्की बात है लगा दिया होगा अब तक। तो बच्चों यहां से 1 डे का इंटरेस्ट कितना होगा, 6/365, 1 डे का इंटरेस्ट होगा 6/365। आपको कितने डेज के इंटरेस्ट की जरूरत है, 1 डे का इंटरेस्ट आपके पास आ गया, आपको जरूरत है 73 डेज के इंटरेस्ट की। तो 1 डे आप 73 से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों आपके पास 73 डेज का इंटरेस्ट आ जाएगा 1.2। जो बच्चे इंग्लिश ज्यादा समझते हैं वो बताओ, इज दैट क्लियर, बोलो बच्चों। अब देखो उसमें आपके, अब देखो अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया बच्चों। भाई 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया आपके पास 5, 73 डेज का इंटरेस्ट आ गया आपके पास 1.2। तो अब आप मुझे ये बताओ कंप्लीट 1 ईयर 73 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा, 6.2। अब हम देखो, अब आप देखो भाई आपने प्रिंसिपल को एज्यूम करा 25, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना गिवन है 1000, तो मतलब अब की बार आपको 25 की वैल्यू गिवन है 1000। इस बात से तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत में नहीं आना, कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर गिवन होगी। 25 की वैल्यू है आपके पास 1000, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 40, 1 की वैल्यू है 40, आपको फाइंड आउट करनी है 6.2 की वैल्यू, तो 6.2 की वैल्यू कितना होगी 248। ये होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को किया करो, कोई जल्दी नहीं आपको, बताओ समझ आई बच्चों बात। अब बिल्कुल तुम्हें एकदम बेसिक से समझा दिया कि भाई कैसे करोगे और कैसे नहीं करोगे इस क्वेश्चन। देखो जब आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी ना, कॉन्सेप्ट तो यही होंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होंगे उसमें, तो उस वर्कशीट को करने के लिए पूरा दिमाग ओपन कर लो। वरना फिर पता है आपको क्या लगेगा, ये तो कराया नहीं था ये भी दे दिया, ये तो कराया नहीं था ये भी दे दिया। भाई इसका वर्कशीट इसके बाद, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया रेनू का बेटा आपका। वर्कशीट इसके बाद स्पीड अभी बहुत कम है, स्पीड समय के साथ बढ़ जाएगी और उसको भी मैं खुद से बढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप कॉन्सेप्ट समझते चलो और प्रैक्टिस करते चलो। स्पीड बढ़ाने का ना एक प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपने बस क्वेश्चन करो स्पीड आपकी बढ़ गई, डेली करते रहो डेली करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा और स्पीड बढ़ती रहेगी। जैसे आपने इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं दिखते लेकिन वो फिर भी चल रहे होते हैं,
तो वर्ब आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ भी ऐसा ही होता है। ये ऐसा काम होगा आपको लगेगा नहीं कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन आपकी स्पीड डेली बढ़ती रहेगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। समझ गई बच्चों बात? आंसर की भी मिलेगी भाई, उसकी आंसर की एक बार बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बस। वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, मतलब आप बस ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे ना, यहाँ से आपको सब कुछ करेक्ट मिलेगा। वो पीछे वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था तो इसलिए गड़बड़ हो गया आंसर की वगैरह की, और उसको फिर से पूरा प्रॉपर सब कुछ करना पड़ेगा। जो आपको अब वर्कशीट मिलेंगी ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब की, वो पूरी प्रॉपर होंगी आंसर की के साथ सब कुछ। अब देखो, और उसको भी ना हम अभी सॉल्व करेंगे, अभी 2-4-5-10 दिन में मैं थोड़ा इवनिंग का या फिर नाइट का एक टाइम स्लॉट कर लेंगे, और मतलब रोज रात को अपनी वर्कशीट को किया करेंगे, वो करनी बहुत जरूरी है आपके लिए। डेली आधा घंटा एक घंटा उन वर्कशीट को कैसे करोगे, उसकी स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, एग्जाम में कैसे करोगे, वो आपको सब कुछ समझाऊंगा। एक बार सब बच्चों से बात कर लूंगा, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन थे आपके पास 2 इयर्स के लिए, 2 इयर का आप सोच के देखो बस इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। जब 2 इयर कंप्लीट हो गया तो फिर किसका नंबर आएगा, 3 इयर का। अब आप मुझे ये बताओ 2 इयर के लिए किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई दिक्कत, क्योंकि जो आपने 2 इयर में करा है सेम प्रोसेस आप 3 इयर में करोगे। एक बात हमेशा याद रखो, मैथ में आपको अपना स्कोर 100% करना है बस भाई। अब आप देखो 3 इयर्स के लिए आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो थोड़ा बच्चों अच्छा सा बनाते हैं, अभी भी वैसा ही करना है। देखो आपके पास कोई एक प्रिंसिपल है, अब हो गया आपके पास टाइम 3 इयर। एक बार बच्चों फटाफट से मुझे ये बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, एक बार बता दो बस, थोड़ा कष्ट करो, इतना बता दो बस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ये बच्चों ऐसे कैसे बन रहे हैं बॉक्स, भाई चक्रवर्ती ब्याज नहीं, ये पूछना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो देखो जब आपके पास टाइम 3 इयर हो गया तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो बोलता है कि जितने भी पीछे के इंटरेस्ट हैं सब पे आपको आगे इंटरेस्ट पे करना है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो बोलता है आपसे, जितने भी आपके पहले के इंटरेस्ट हैं मैं आपसे हर किसी पे इंटरेस्ट लूंगा। तो अब आप कैसे कैसे इंटरेस्ट पे करोगे, एक बात याद रखो जितने भी पीछे के इंटरेस्ट हैं सब पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। फिर आपको ऐसा लगेगा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझते चलो। यहाँ भी मैं आपको ये बॉक्स समझाऊंगा, बॉक्स समझते बस इनको फिल करना है वैसे ही। अब आप मुझे ये बताओ कुल मिलाकर बात ये है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आप सेकंड ईयर में भी दोगे और थर्ड ईयर में भी दोगे, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आप थर्ड ईयर में दोगे। देखो तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट ईयर, भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने सेकंड ईयर में पे कर दिया, और बात को बच्चों साथ साथ समझते चलना। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने सेकंड ईयर में पे कर दिया, उसके बाद फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने थर्ड ईयर में पे कर दिया, क्योंकि एक बात आपको पता है हर प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में देना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने सेकंड में भी दे दिया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट थर्ड ईयर में भी दे दिया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा थर्ड ईयर में। अब आप मुझे ये बताओ क्या आपने हर एक प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में दे दिया या फिर अभी कुछ बच गया, थोड़ा दिमाग चलाओ, चुपचाप नहीं बैठना। आप बस इतना सोचो कि आपने जितने भी इंटरेस्ट थे सबको पे कर दिया, अगर सबको पे कर दिया तब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन अगर कोई भी अभी रिमेनिंग बचा है तो आपको उसको भी पे करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ इनमें से कौन सा बॉक्स ऐसा है
जिसका इंटरेस्ट आपने अभी तक पे नहीं करा। अब आप सब समझ गए भाई, थर्ड या थर्ड वाली बात तो करनी नहीं है, थर्ड का तो आप फोर्थ ईयर में दोगे। ये जो फोर्थ नंबर का बॉक्स है इसका इंटरेस्ट अभी आपने पे नहीं करा, तो आप क्या बोलोगे कि हम इसका भी इंटरेस्ट पे कर देते हैं। अब आप चेक करो क्या आपने हर प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया या फिर अभी भी कोई बचा है। अब चेक करो भाई, अब आपने सब कुछ पे कर दिया। अगर आपने सब कुछ पे कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया बताओ भाई। जब आपने सब कुछ पे कर दिया, सारा इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इसका नाम भी बता दो क्या होगा फिर। तो आप इन बॉक्स को ना ऐसे ही बना लो, एरो लगा लगा कर आप ऐसे ही बना लो। आपको ये पता रहेगा कि जब इन बॉक्स को हम फिल करेंगे तो कौन सी वैल्यू कैसे आएगी। आप एक बार बस इनको ऐसे एरो लगा लगा कर बना लो। ये बच्चों आपने ड्रॉ कर लिए बहुत खूबसूरत सी फिगर। अब देखो फिर से वही बात, अपनी पुरानी बात। अभी हम आगे बाद में चलेंगे, पहले ही टेबल्स को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अब आप मुझे खुद से बताओगे सारी बातें। अब इनको तो देखो हटा देते हैं, और अब की बार तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। जो बच्चा नहीं बोलेगा उसको क्लास से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि वो बस नोट्स बना रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये क्या होगा, ये जो ऊपर वाले तीनों बॉक्सेस हैं इनका नाम क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट भाई, आपको एक बात पता है कि आप प्रिंसिपल पे नॉर्मल जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले तीनों बॉक्स जो हैं इनका नाम हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल, अब आप थोड़ा दिमाग चलाओ, सिंपल इंटरेस्ट भी साथ साथ चल रहा है आपका। जब आप सिंपल इंटरेस्ट करोगे तो नीचे वाले बॉक्स छोड़ दोगे, बस ऊपर वाले बॉक्स आपका सिंपल इंटरेस्ट और आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर ये जितने भी बॉक्स हैं इन सबको मिलाकर ये हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों आप तो एकदम इसको अच्छे से फॉर्म करना, मतलब सब कुछ एकदम खूबसूरत तरीके से, ये सारा मिलाकर होगा बच्चों आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ऊपर वाले तीनों बॉक्स होंगे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, और ये रेड वाले और ब्लू वाले बॉक्स मिलकर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, इसको नोट कर लिया बच्चों, अब हम इसको इरेज कर देते हैं वरना इसमें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी ज्यादा बातें लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन से कलर के बॉक्स ऐसे होंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर डिफरेंस होंगे। सब कुछ वही होगा जो आपने टू ईयर में करा था, सब कुछ वही, ये फिर भी वैसे ही होंगे। एक बार बस इनको थोड़ा देख लो भाई, ऊपर वाले तीनों बॉक्स है सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे बॉक्स मिलाकर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये जो नीचे बच्चों ब्लू वाले बॉक्स होंगे ये क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस। इसको भी नोट करो, सीआई नहीं, सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये जो नीचे वाले ब्लू वाले बॉक्सेस होंगे ये होंगे सीआई और एसआई का डिफरेंस। नोट हो गया बच्चों, बता दिया करो भाई, क्योंकि हम इसको साथ साथ इरेज करते रहेंगे ना। अब अगर मैं आपसे बात पूछूं कि भाई ये जो इंटरेस्ट होगा ये इंटरेस्ट किस ईयर का होगा, ये जो इंटरेस्ट है ये किस ईयर का इंटरेस्ट होगा,
ये होगा ओनली सेकंड ईयर का, ओनली सेकंड ईयर। ये इंटरेस्ट होगा ओनली सेकंड ईयर का। और सेम ऐसे ही अगर मैं लास्ट वाले चारों बॉक्सेस आपसे पूछूं कि भाई ये किस ईयर का इंटरेस्ट होगा, तो आप बोलोगे ये इंटरेस्ट होगा ओनली थर्ड वाले ईयर का। जो थर्ड वाला ईयर होगा ये इंटरेस्ट होगा ओनली थर्ड वाले ईयर का। बताओ बच्चों, इतनी बातें समझ आई आपको? बस अब हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है, और फिल करने का प्रोसेस वही रहेगा जो आपने टू ईयर में, फिल करने का प्रोसेस वही होगा जैसा आपने टू ईयर के लिए फिल करा था, सेम ऐसे आप थ्री इयर्स के लिए फिल करोगे। एक क्वेश्चन आप देख लो, अभी तो टाइम थोड़ा कम है, लेकिन एक क्वेश्चन समझ लो। देखो प्रिंसिपल बच्चों आपको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%, टाइम है आपके पास थ्री इयर्स, और आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है बच्चों 6620। बेटा यहां टॉप करो, वहां अगर टॉप कर भी लेते तो कौन पूछता, बताओ। यहां करो, अब देखो जैसे ही आपने टाइम देखा थ्री इयर्स, तो आप क्या करो, सबसे पहले थ्री इयर्स के लिए बॉक्सेस बना। और देखो ये बॉक्सेस भी आपको स्टार्टिंग में बनाने हैं, उसके बाद आप बॉक्स को गैप करके डायरेक्ट डिजिट डिजिट लिखते रहने। रिश्तेदारी में इज्जत लिखिए, रिश्तेदारी में इज्जत चाहिए तो आपको। बेटा अगर रिश्तेदारी में इज्जत मिलना तो तुम खत्म है। आधे बच्चे तो बस इसलिए तैयारी करते हैं कि मेरी बुआ का लड़का कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसा ना हो कि बॉय इंस्पेक्टर बन जाए और मैं रह जाऊं। आप थ्री इयर्स के लिए फटाफट से बॉक्सेस बना लो। बहुत खतरनाक आइटम बच्चे होते हैं रिश्तेदार, बहुत खतरनाक। हो गया क्या बच्चों सब कुछ, या फिर कुछ बच्चा? अब देखो इस क्वेश्चन को अब आप समझ ही गए। देखो वो क्या कहेंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, आप अपना काम करते रहो, उनका काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे आज भी और कल भी। तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारी टेंशन उनको ज्यादा है, कहीं तुम कामयाब ना हो जाओ। अब आप मुझे ये बताओ प्रिंसिपल को कितना अज्यूम करोगे, फटाफट से बोलो, टाइम कम है कर लेते हैं। रिश्तेदारों को बहुत टेंशन होती है, पहले वो स्टार्टिंग में बोलोगे कर रहे हैं तैयारी, हम देख लेंगे क्या होगा, तो फिर जब कुछ हो जाता है तो उनके घर 3-4 दिन तो खाना नहीं बनता। उसके बाद आप देखो हर बार इसका 1/10 भाई, इधर कितना होगा 100, इधर 100, इधर 100। अब आपको हर बार 1/10 करना है, तो इधर भी कितना आएगा 10, इधर आप क्या करोगे 10 का 1/10 मतलब 1, इधर कितना आएगा 100 का 1/10 मतलब 10, और इधर कितना आएगा बच्चों इस वाले बॉक्स में 10, मतलब आपको हर बार 10 का 1/10 करना है। बताओ बच्चों बात समझ जाए। देखो पूरा आप कैसे कह सकते हो क्योंकि आप भी तो किसी के रिश्तेदार हो, ऐसा थोड़ी ना है आप भी रिश्तेदार है, आप भी तो किसी के रिश्तेदार हो, तो ये बात तो आपको भी एप्लीकेबल है, हम भी तो किसी के रिश्तेदार है। बताओ अब देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है
कि भाई आपके पास 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है 6.62 मतलब आपके पास इन बुक्स को देखकर बताओ 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई। नीचे वाले सारे बॉक्सेस को आप ऐड कर दो कितना आ जाएगा 331 331 की वैल्यू कितनी की वन है 6620। तो यहां से वन की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास 20 वन की वैल्यू है 20 तो प्रिंसिपल मतलब 1000 की वैल्यू कितना होगी 20,000। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बता दिया। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो अभी टाइम कम था इसलिए एक बार बता दिया। किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो अभी देखो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ये भी सेम ऐसे ही है, नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही होगा, उसके बाद भी सेम ऐसे ही होगा। तो आपको नेक्स्ट क्लास में तो समझ आ ही जाएगा पक्का, लेकिन आप समझने की कोशिश करना सारे सब वही है पुराने वाले। तो बच्चों बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी, दिल में किसी प्रकार का कोई बच्चा दर्द छुपा है बैठा हो? क्योंकि अब तो आप लॉक हो गए, आप अपने दिल का दर्द वहां तक नहीं पहुंचा सकते। अब तो अगर आपके दिल का दर्द कहीं जाएगा तो हमारे से होकर ही जाएगा। वन की वैल्यू है 20 तो आंसर कितना होगा? कहां गया भाई आंसर? 20,000। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझते रहना साथ साथ। पहले यहां से आपकी जो न्यूज है पहले वो अप्रूव होगी, उसके बाद हम उसको देखते हैं कि आगे पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना। वो आगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। लेकिन मैं तो ये कह रहा था पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लो तो ज्यादा सही रहेगा। और यही ज्यादा सही है पढ़ने में। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें और घर के अंदर ही रहें, कोई भी हीरो बनने की कोशिश ना करें, बाहर जाकर घूम के आ रहे हैं थोड़ा बहुत, अंदर ही बैठे क्लास में। वेलकम। दूसरे खिड़की ना खुलवा, खिड़की तो सामने वाले वैसे भी नहीं खोलेंगे। उनको भी तो डर है भाई कोरोना का, आपको हो या ना हो। और कोशिश भी ना करें खिड़की खुलवाने की, शांति से घर में बैठे। ओके बच्चों बाय बाय। खिड़की खुलने के बाद पत्थर भी आ सकता है। एक्सपीरियंस बोलता है भाई कभी कभी तो।